मैं अभी तक आपको संतत फलन की परिभाषा क्लोज इंटरवल में संतत्ता, ओपन इंटरवल में समतत्ता, प्रांत में संतत्ता परिभाषित कर चुका हूँ। दो परिभाषाएं बताई थी, एक संतत फलन की वैकल्पिक परिभाषा और संतत फलन की कोशी परिभाषा। उसके अतिरिक्त मैंने आपको असंतत्ता के प्रकार बताए थे। अब हम संतत्ता के ऊपर बेस्ड छोटी छोटी सी थ्योरम्स का अध्ययन करते हैं। एक छोटी सी थ्योरम है, फलन एफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर संतत होगा यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल। सॉल्यूशन देखते हैं, दो पार्ट हैं कि यदि एक्स इक्वल टू ए पर संतत माने तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, और ये माने तो एक्स इक्वल टू ए पर संतत सिद्ध करना है। पहले माना कि फलन f बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है, अतः कोशी परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन लिखो या एप्सिलॉन बाई टू लिखो, एप्सिलॉन बाई थ्री लिखो, चूंकि दो टर्म्स होने वाली हैं इसलिए मैंने पहले ही एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई टू लिखा, इक्वेशन नंबर वन। जबकि कंडीशन क्या है, x माइनस ए लेस देन डेल, या यूं कह दे कि माइनस डेल लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल, तीनों में ए ए प्लस कर रहे हैं तो a माइनस डेल लेस देन x लेस देन a प्लस डेल इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस डेल a प्लस डेल। पुट x इक्वल टू x1 इन इक्वेशन वन, यहां रख रहे हैं x1 की जगह x1 रख रहे हैं, तो क्या जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, जबकि एक्स वन माइनस ए लेस देन डेल। तो यहां से जैसे लिखा है, यहां x की जगह क्या हो गया, एक्स वन बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल। अब अपन पुट x इक्वल टू एक्स टू इन वन, तो यहां x की जगह एक्स टू लिखा है, तो ये आ गया एफ एक्स टू माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, जबकि एक्स टू माइनस ए लेस देन डेल इम्प्लाइज इसकी तरह यहाँ एक्स की जगह एक्स टू है, तो एक्स टू लेस देन ए माइनस डेल, एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल। अब अपन ये लेके चलते हैं जो अपने को प्रूव करना है, मोड एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन मोड इक्वल टू एफ ए घटाया है एफ ए जोड़ दिया, तो एफ एक्स टू माइनस एफ ए प्लस एफ ए माइनस एफ एक्स वन, एफ एक्स टू माइनस एफ ए यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ ए। ये फॉर्मूला काम में लिख रहे हैं, मोड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, तो यहां हो गया इससे बड़ी संख्या लिख रहे हैं, तो लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ ए माइनस माइनस एफ ऑफ ए। यहां माइनस है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, तो यहां प्लस जो है, यहां अपन ने माइनस किया, माइनस मोड माइनस एक्स इक्वल इज लेस देन मोड एक्स, तो माइनस कॉमन निकाल के प्लस ही कर दिया, मोड से माइनस कर दिया प्लस हो गया। अब इसकी जगह बड़ी संख्या दो से, क्या बड़ी संख्या एप्सिलॉन बाई टू, इसकी जगह बड़ी संख्या एप्सिलॉन बाई टू, इसकी जगह बड़ी संख्या एप्सिलॉन बाई टू, इसकी जगह एप्सिलॉन बाई टू। इसका मतलब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ये जुड़ के हो गया एप्सिलॉन, जबकि एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल। ये पार्ट प्रूव हो गया। अब अपन ये मानेंगे और प्रूव करेंगे कि एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है। विलोमत है माना कि एफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल। अब इसमें
एक्स टू के स्थान पर एक्स लिख रहे हैं, एक्स वन की जगह ए लिख रहे हैं, तो क्या जाएगा, मोड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स कोमा ए बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल। तो इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल ए प्लस डेल, या एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज बिटवीन ए माइनस डेल ए प्लस डेल, या ऐसे लिख दे ए माइनस डेल लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल। इसका मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए लेस देन डेल। इसमें क्या किया अपन ने, इसमें तीनों में ए जोड़ दिया, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन ए प्लस डेल्टा, में प्लस डेल्टा तीनों में से ए घटाया है, तो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और इसको मिला के अपन लिख सकते हैं मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अतः और ये किसकी परिभाषा, कोशी की परिभाषा, अतः एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर संतत है। एक छोटी सी थ्योरम जो अपन बारहवीं में भी पढ़ के आए हैं कि यदि डी और ई आर के उपसमुच्चय हैं तथा एफ फ्रॉम डी टू ई तथा जी फ्रॉम ई टू आर अपने अपने प्रांत, इसका प्रांत है डी इसका प्रांत है ई में संतत फलन है, तब सिद्ध करना है कि इनका संयुक्त जी ओ एफ भी प्रांत डी में संतत फलन होगा। ऐसा दे रखा है अपने को, ये अपने को दे रखा है डी, ये ई सेट, ये आर सेट, इनके बीच में संतत फलन दे रखा है एफ, इनके बीच में संतत फलन दे रखा है जी। फलन एफ इस डी में संतत है, इसके कोई दो बिंदु मान लिया एक्स और ए, इसकी इमेज यहाँ पे एफ ए जिसको मैंने बी कह लिया, इसकी इमेज एफ एक्स जिसको मैंने वाई कह लिया। अपने को प्रूव करना है कि इनका कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन जी ओ एफ बी डी में संतत होगा, क्योंकि एफ फ्रॉम डी टू ई एंड जी फ्रॉम ई टू आर गिवन दैट है, तो जी ओ एफ कहां से कहां होगा, ई टू आर में होगा। माना ए कोमा डी का कोई स्वेच्छा अवयव है, दिया है कि फलन एफ अपने प्रांत डी में संतत है, अतः यह है फलन एफ बिंदु ए पर भी संतत होगा, क्योंकि यदि डी में संतत है तो प्रत्येक बिंदु पे संतत है, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन कोशी परिभाषा काम में ले रहे हैं, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब एफ एक्स किसके बराबर मान रखा है अपन ने, वाई के बराबर मान रखा है, एफ ए किसके बराबर मान रखा है, बी के बराबर मान रखा है, यहाँ वैल्यू रख दी, तो वाई माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इक्वेशन नंबर वन। अब क्या दे रखा है, पुनः दिया है कि जी प्रांत ई पर संतत है, अतः यह बिंदु बी, क्योंकि बी किस में है, ई में है, अतः फलन जी बिंदु बी पर भी संतत होगा, कोशी परिभाषा काम में ले रहे हैं अपन। अतः प्रत्येक ईटा ग्रेटर देन जीरो के संगत देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट जी ऑफ वाई माइनस जी बी लेस देन ईटा, जबकि वाई माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ वैल्यू वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स, बी का मतलब एफ ऑफ ए, तो क्या आ गया, जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ ए लेस देन ईटा, जबकि वाई माइनस बी लेस देन y माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। इसको अपन संयुक्त फलन परिभाषा से, संयुक्त फलन की परिभाषा से लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स जी ओ एफ ए माइनस ईटा, जबकि y माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन नू टू फ्रॉम वन एंड टू। फ्रॉम वन क्या है देख लीजिए एक बार दोबारा, y माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन जब ही है, जबकि x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये इक्वेशन नंबर वन है। और इक्वेशन नंबर टू क्या है, ये है,
इन दोनों को यहां प्रयोग कर रहे हैं, वाई माइनस बी का एप्सिलॉन से कब छोटा है, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो क्या आ गया जी ओ एफ माइनस एक्स माइनस जी ओ एफ ए लेस देन ईटा जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो फलन जी ओ एफ है वो एक्स इक्वल टू ए पर संतत है, परंतु एक्स ए कोमा डी का स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव मतलब जी ओ एफ डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, अर्थात जी ओ एफ भी डी पर संतत होगा। एक छोटी सी थ्योरम और पढ़ लेते हैं कि यदि फलन एफ बिंदु ए पर संतत है तब सिद्ध करना है कि मोड एफ एक्स भी एक्स इक्वल टू ए पर संतत होगा, परंतु इसका कन्वर्स सदैव सत्य नहीं है, यानी एफ संतत है तो मोड एफ भी संतत होगा, परंतु मोड एफ के संतत होने पर एफ के असंतत होना आवश्यक नहीं है। दिया है कि एफ एक्स कोमा एक्स इक्वल टू ए पर संतत है, अतः प्रत्येक कोशी परिभाषा काम में ले रहे हैं, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इक्वेशन नंबर वन, हमें सिद्ध करना है कि मोड एफ एक्स भी एक्स इक्वल टू ए पर संतत होगा, तो अपन ये जानते हैं कि मोड ए माइनस मोड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मोड ए माइनस बी, तो यहां ए की जगह ये लिख रहे हैं, देखो मोड एफ एक्स माइनस इसका होल मोड, मोड मोड ए माइनस मोड बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, तो अब यहाँ पे ए की जगह एफ एक्स लिख दिया, बी की जगह एफ ओ फे लिखा है, तो मोड मोड एफ एक्स माइनस मोड एफ ए लेस देन और इक्वल टू मोड एफ एक्स माइनस एफ ए, ये ऐसा कैसा ही। अब इसकी जगह जब ये कब छोटा है एप्सिलॉन से, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इन दोनों के प्रयोग से कर रहे हैं। From 1 and 2, mod fx minus mod fa less than epsilon, इसकी जगह बड़ी संख्या लिख दी है, कब बड़ी संख्या लिखी है, ये fx minus fa less than क्या है epsilon है, तो इसकी जगह बड़ी संख्या लिखी है epsilon, equal का साइन हट जाएगा यहाँ से, कब, जबकि mod x minus a less than delta, तो इसका मतलब mod fx भी x equal to a पर संतत है, परंतु इस प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसके लिए हम एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमने इस तरह से परिभाषित किया है फलन को कि एफ एक्स का मान माइनस वन है यदि एक्स इज लेस देन ए, वन है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तब अपन वैल्यू निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू ए मोड एफ एक्स करेंगे तो ये भी प्लस वन ये भी प्लस वन, तो इसकी वैल्यू तो रहेगी वन, जो कि किसके बराबर है एफ ओफ ए, क्योंकि एफ ओफ एक्स की जगह ए लिखे तो एफ ओफ ए क्या हो गया वन, तो इक्वल टू क्या है एफ ए, इसका मतलब जो वैकल्पिक परिभाषा है उससे क्लियर है कि एक्स इक्वल टू ए पर मोड एफ एक्स संतत है। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ ए माइनस जीरो, एफ ए माइनस जीरो मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, या इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, अब जैसी ए से कम होता है तो इसकी वैल्यू है माइनस वन, यहाँ ए से कम है ए माइनस एच तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आई माइनस वन। राइट हैंड लिमिट निकालें, एफ ए प्लस जीरो निकालें इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, या लिमिट एस टेंस टू जीरो ए प्लस एच, जैसी एफ एक्स का मान x इज ग्रेटर देन a हो तो इसका वैल्यू है 1, तो यहाँ a प्लस एच ए से बड़ा है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसका वैल्यू है 1, इसका मतलब एफ ए माइनस जीरो जो कि माइनस वन है, एफ ए प्लस जीरो जो कि 1 है इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एफ एक्स 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 इक्वल टू ए पर संतत नहीं है। इससे आगे की कुछ एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स संतत फलन के, जो कि अपन अधिकतर को वैकल्पिक परिभाषा से सोल्व करेंगे, वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है, क्योंकि अपन लोगों का
आमने सामने देखने का इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो यदि आपको इस लेक्चर में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप वीडियो में दिए गए मैसेज बॉक्स में उसे लिखिए, जिससे कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकूं। धन्यवाद।